आखिरकार एक प्रेमिका की जिद काम आई और उसका प्रेमी जीवन भर उसका साथ देने को तैयार हो गया। आज देर शाम सादगी से युवती का विवाह उसके प्रेमी के साथ संपन्न हो गया। प्रेमी को जीवन साथी पाकर खुश युवती उसका सारा श्रेय मीडिया को दे रही है। 8 दिन से प्रेमी को पाने की जिद पर अड़ी युवती उसके घर के बाहर डेरा डाले बैठी थी। इटावा जनपद के भरतना थाना क्षेत्र की युवती 8 दिन पहले प्रेमी अनुज को जीवन साथी बनाने के लिए कन्नौज जनपद के सौरिक थाना क्षेत्र के नंगला अजीत गांव आई थी। प्रेमी उसे सब्ज बाग दिखाकर घर से भगा लाया था, लेकिन परिजनों ने इनकार के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया था। प्रेमी और उसके परिजनों ने दुत्कारने से मायूस युवती पुलिस के पास गई, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हर तरफ से निराश प्रेमिका ने प्रेमी के घर के बाहर सुसाइड करने का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद युवती प्रेमी के घर पहुंची तो पूरा परिवार फरार हो चुका था। वीडियो वायरल होने के बाद होश में आई पुलिस ने युवती की सुरक्षा में सिपाही तैनात कर दिए। आखिरकार प्रेमी को जीवन साथी बनाने के लिए जान देने पर अड़ी प्रेमिका का प्यार जीता और प्रेमी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों के पास के ही बालाजी धाम मंदिर में रस्मों रिवाज के साथ शादी संपन्न कराई गई। प्रेमी को जीवन साथी पाकर खुश युवती ने मीडिया को धन्यवाद दिया है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है मेरे साथ में। जब मैं यहाँ पे आई, इनके पापा ने मुझे बोला था कि 3 दिन के अंदर शादी कर लेंगे। उसके बाद में जब मैं यहाँ पे आई तो इनके घर वालों ने ताले लगा के चले गए सारे लोग, और इन लोगों ने मेरी मारपीट की। उसके बाद मैं ताला लगाया और चले गए। जब पुलिस यहाँ पे आई तो मतलब मैंने इसमें ईंट मार दी थी यहाँ पे एक ताले में। तो पूना अवस्थी मैम बोलती हैं कि तुझे मैं जेल भेज दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, और ये इन लोगों ने मेरी मारपीट की है। तो मैम मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, थाने से मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पूना अवस्थी मैम हमें ही धमकी देती हैं, तुझे मैं जेल भेज दूँगी, ये कर दूँगी।